अस्सलाम वालेकुम। ये एक सर्किट है, ये हायर कंपनी का एसी का सर्किट है। अक्सर इस तरह होती है कि ये जब बिजली अक्सर ज़्यादा हो जाती है या अक्सर ये स्टेबलाइजर की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से अक्सर एसी बिल्कुल काम छोड़ देता है। तो इसका सैंपल वजह ये होता है जी, जब हम इसका सर्किट खुलवा देंगे तो इसमें एक ये इसका जो डिनार होता है ये अक्सर ये ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से ये बिल्कुल सर्किट ऑफ हो जाता है। दूसरा, इसमें एक छोटे छोटे आईसी लगे होते हैं, ये जो है ये अक्सर जल जाता है, तो इसकी वजह से भी ये बिल्कुल ऐसे ऑफ हो जाता है। और दूसरा, जब ये आईसी अगर इस हालात में मिल जाते हैं तो फिर ये आसानी से दोबारा लगती है और ठीक हो जाती है। अगर ये नहीं मिलता तो इसके बदले में हम ये दूसरा 12 वोल्ट सप्लाई होती है वो लगाते हैं। तो दूसरा, इसका जब ये जेडिनार जल जाता है तो इसके साथ ये फ्यूज़ भी जल जाता है। तो फ्यूज़ हम ये जेडिनार दूसरा या लगा दे या ये काट के फेंक दे और फ्यूज़ लगा दे तो पर ये एसी स्टार्ट हो जाती है और अपना काम जो है वो शुरू कर जाता है। तो ये सर्किट रिपेयर करने का जो आसान सा काम होता है वो ये होता है। बाकी इसके अलावा अगर जो काम आ जाता है तो वो तो फिर मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, वो लाजिमी होता है। वो तो फिर अक्सर इस तरह होता है कि ये इसकी जो मेन प्रोग्राम आईसी होती है वो ख़राब हो जाती है, फिर वो तो कंपनी से दूसरा सर्किट मंगवाना पड़ता है, क्योंकि ये फिर दूसरे सर्किट के अलावा इसका कोई हल नहीं होता। तो ये मेन चीज़ें हैं, ये मैंने बता दी। अक्सर इसकी ये ख़राब होने की वजह से थोड़ी सैंपल होते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये सैंपल चीज़ हमने आपको दिखा दी। ठीक है, मेहरबानी।